आईआईटी जेई मेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम जो जेई मेन में 8 अप्रैल को 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट 0.0 एंड ए 0.1 बी द टू फिक्स पॉइंट। मीन्स हमारे पास दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं 0.0 एंड 0.1। देन लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, मीन्स मुझे पॉइंट पी का लोकस फाइंड आउट करना है सच दैट कि पैरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ए ओ पी एच 4, मीन्स ट्राइंगल का जो ए पैरीमीटर है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। मीन्स हमारे पास क्या जानकारी दे रखी है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया, मान लो कि इसका ये वर्टेक्स हो गया 0.0, एक वर्टेक्स हमारे पास कितना गिवन है 0.1 दे रखा है। और क्या हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो लोकस निकालने का एक्चुअली तरीका क्या होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है पहला काम तो हमें क्या करना चाहिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच कोमा के अज्यूम करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, एच कोमा के को इन्वॉल्व करते हुए मुझे एक कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या दे रखा है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी इज 4। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का सम। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए ओ प्लस ए पी प्लस ओ पी, ठीक। दैट इक्वल टू कितना गिवन है, 4 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या रहेगा, मुझे ओ ए डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओ ए डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास में, फॉर्मूला ये रहता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। मान लो तो ये आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम एक काम करेंगे, डिस्टेंस ओ ए फाइंड आउट करेंगे, ए पी फाइंड आउट करेंगे, ओ पी फाइंड आउट करेंगे, सभी डिस्टेंस को यहाँ लिखेंगे और देन इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ओ ए पी ले लिया, डिस्टेंस ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी 4 दे दिया। अब ना सभी डिस्टेंस को निकालते हैं, तो ओ ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए पी डिस्टेंस मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक ना। ओ पी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या है, फर्दर सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली दिखाया तो यही हमारा आंसर है, बट अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं तो ऑप्शंस में क्या है कि इस तरह के फॉर्मेट में नहीं दे रखा है। इट मीन कि इसे मुझे क्या करना होगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि यहाँ से अंडर रूट वगैरह को रिमूव करना रहेगा। तो एक काम ये करते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। अब इसको क्या, अंडर रूट को हटाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। ट्रांसफर यहाँ कर दिया तो इस तरह का कुछ टर्म आ जाएगा। और देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे और देन इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगा हमारे पास में। और इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक काम मैं ये करता हूँ, इन सभी टर्म्स को एक साइड ले जाता हूँ, और इन सभी टर्म्स को एक साइड इस साइड लाने के बाद में फिर से अगेन मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे, फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंडीशन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया फाइनली, 9x² + 18y² - 8y = 16। दिस इज आर आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।